नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने जा रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों में से जिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, उस खिलाड़ी का नाम है अमित पंघाल। अमित पंघाल 52 kg वर्ग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक हैं। अमित पंघाल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 को हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव में हुआ। उनके पिता विजेंद्र सिंह पंघाल एक किसान हैं, जबकि उनके बड़े भाई अजय पंघाल भारतीय सेना में हैं। पंघाल को उनके बड़े भाई अजय पंघाल ने बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया था। अजय पंघाल एक पूर्व मुक्केबाज हैं। 2007 में अमित ने बॉक्सर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए रोहतक में सर छोटूराम बॉक्सिंग अकादमी में शामिल हुए। उन्होंने बॉक्सिंग कोच अनिल धनखड़ से ट्रेनिंग मिली। 12 साल का अमित पंघाल मजबूत, दृढ़ निश्चय और लचीला था। वह नीडर होकर अपने से बड़े लड़कों का भी मुकाबला करता था। अमित पंघाल ने पहली उपलब्धि 2010 में 14 साल की उम्र में सब जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जीतकर हासिल की। पंघाल के बड़े भाई अजय पंघाल ने अपने छोटे भाई को सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देखने के बाद आखिरकार अपने मुक्केबाजी के सपने को छोड़ने का फैसला किया और 2011 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। अजय पंघाल भी एक बॉक्सर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता अपने दोनों बेटों में से किसी एक के प्रशिक्षण का ही खर्च उठा सकते थे। इस प्रकार अजय ने अपना बॉक्सर बनने का सपना छोड़ दिया और अमित को बॉक्सिंग करने के लिए प्रेरित किया। अमित के कोच अनिल धनखड़ गुड़गांव के कॉम्बैक्ट बॉक्सिंग क्लब में चले गए थे, इसलिए अमित भी रोहतक एकेडमी को छोड़कर गुड़गांव आ गए। अपने कोच द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स और सख्त मेहनत के बाद अमित ने जूनियर स्तर पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। जूनियर स्तर पर सफलता के बाद अमित पंघाल को सीनियर स्तर पर प्रमोट कर दिया गया। सीनियर स्तर पर जाने के बाद उन्होंने 2017 में अपने पहले ही सीनियर टूर्नामेंट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। अमित पंघाल ने एशियाई एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में लाइट हेवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में अमित पंघाल ने लाइट फ्लाईवेट वर्ग में रजत पदक जीता। अमित पंघाल ने 2018 एशियाई खेलों में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। 2019 में पंघाल ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। उसी साल सितंबर 2019 में अमित पंघाल आइबा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। अमित पंघाल ने मार्च 2020 में 52 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के कार्लो पालम को हराने के बाद 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अपने पहले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने के बाद अमित पंघाल ने दिसंबर 2020 में जर्मन के कोलोन में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप में अपना 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता। अमित पंघाल इस समय भारतीय सेना में ज्वाइंट कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। वह महार रेजिमेंट की 22वीं बटालियन में शामिल हैं। अमित के पास कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हैं और वो मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए भारत की एक बड़ी उम्मीद हैं। सभी भारतीयों की दुआएं उसके साथ हैं और हम आशा करते हैं
कि वो टोक्यो ओलंपिक से विजयी होकर भारत वापस लौटेंगे। खेलों और टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।